दुर्ग के धमधा नाका व ब्रिज के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंद दिया, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मोहन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुर्ग में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना दुर्ग के धमधा नाका ओवरब्रिज के समीप शुक्रवार की सुबह घटित हुई है। महिला की शिनाख्त मालती बेसरा निवासी कैलाश नगर के रूप में की गई है। महिला प्रतिदिन की तरह आज भी अपने काम से जा रही थी। इसी बीच धमधा की ओर से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद गुस्साए क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, जिन्होंने चक्का जाम कर अपना आक्रोश जताया। घटना की सूचना मिलते ही मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने चक्का जाम कर रहे लोगों को हटवाया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि धमधा नाका ओवरब्रिज के समीप आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम यहां पर किए ही नहीं गए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जनता के आक्रोश के बीच मोहन नगर पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर तलाश प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में न्यूज टीम को मोहन नगर TI ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज प्रातः 11 बजे ये मालती बेसरा जो है 45 साल जिनकी उम्र है, कप्तानी मंदिर के पास रहती हैं, अपने दैनिक काम के लिए जो जा रही थी, उसी दौरान FCI गोडाउन से जो ट्रक रोडों के ट्रक क्रमांक है CG04J62685, तो इस इनसे दुर्घटना उस मौके पे डेथ हो गई। तो तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुँच के वहाँ पर स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को समझाइश दी और मर्ग पंचनामा का अग्रिम कार्रवाई की जा रही। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।